हेलो वी वन वेलकम टू वी वन यू आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी वी एन यू आई एस सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एम सी क्यू रिलेटेड टू द पॉलिटी बाई द वे दिस लेक्चर इज इन कंटिन्यूशन ऑफ एन ऑलरेडी स्टार्टेड लेक्चर सीरीज वेअर वी आर डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रिलेटेड टू पंजाब पी सी एस और ये वाला लेक्चर हमने ऑलरेडी कुछ एम सी क्यूज लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे ये उसी की कंटिन्यूएशन में ही समझ सकते हैं आप सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज़ इफ़ यू हैवन वॉच द प्रीवियस वीडियो और प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट वॉच दोचर्स एंड देन कम ऑन टू दिस लेक्चर दैन थिंग्स विल मेक मोर सेंस टू यू पहले वो पिछले लेक्चर भी देख के आइए राइट ऑल्दो ये, right? ये दोनों आपस में एज सच कनेक्टेड नहीं है बट देन और इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल्सो कि हम किस वे में प्रोग्रेस करते हैं वॉट वी डू राइट वट ऑल वी लुक फॉर इन अडियो वॉट ऑल वी लुक फॉर इन लेक्चर कैसे प्रिपेयर करना है अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट इज पहले वो लेक्चर जरूर देखिए उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करना राइट सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टेट अवे स्टार्ट आवर लेक्चर ओके हमारा लेक्चर आज किस पे है पॉलिटी पे है ओके okay. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रोटोकॉल जरूर बता देता हूँ आपको कि कैसे आपको आगे इस वीडियो के अंदर बढ़ना है जैसे ही आपके सामने पहली बात तो क्वेश्चंस हैं वी विल बी स्टडिंग थ्रू एम सी क्यूज बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी कि क्वेश्चन देखा राइट एम सी क्यू पढ़ा उसको अटैम्प्ट करा एंड देन चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट इफ इट इज़ करेक्ट वेल एंड गुड इफ इट इज़ इन करेक्ट देन यू विल हैव टू मेक श्योर यू यू देट यू फाइंड योर मिस्टेक आपको ये ज़रूर देखना है कि आपने गलती कहाँ पर करी वेदर ये कोई सिली मिस्टेक थी कंसेप्ट में ही गड़बड़ थी रिविज़न में मिस्टेक हो रही थी चीज़ें याद नहीं आ रही थी पढ़ा है लेकिन तब भी गलत कर दिया सो so, जैसे भी जो भी आपकी मिस्टेक है आपको वहीं के वहीं इसको ठीक करना है रेक्टिफाई करना है दिस शुड बी अ टारगेट इन दिस होल लेक्चर राइट सो दिस वॉज द प्रोटोकॉल दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू एंड येस वन मोर थिंग नॉट जस्ट पॉलिटी अभी मन्यू आई एस आपके लिए सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आपके पंजाब पी से रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड बाई अभी वन्यू आई एस ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न इज जस्ट यू टू कीप फॉलोइंग अभी वन्यू आई एस आप बस हमें फॉलो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिर चाहे वो करेंट अफेयर भी क्यों ना हो इनफैक्ट आपके सी सेट का पार्ट क्यों ना हो जी एस के बाकी डिफरेंट टॉपिक्स हो साइंस एंड टेक जोग्राफी हिस्ट्री इकोनॉमी ईच एंड एवरी थिंग विल बी इफेक्टिवली कवर्ड अभी आई एस ऑल वी वॉन्ट इन रिटर्न कीजिए राइट बिकॉज इससे हमें right? इस थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है सो so दैट हम आपके लिए ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लेके आते रहे आपके सामने राइट ओके सो विद ऑल दिस नॉलेज नाउ लेट स्टार्ट आवर वीडियो विदर्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ओके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हैं एनालिटिकल क्वेश्चन हैं बाय द वे आपके एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है बिकॉज इफ़ यू आर एनालाइजिंग द पैटर्न अगर आपने पैटर्न एनालाइज किया हो तो यू विल रियलाइज कि अब जो पंजाब पी है वो पहले जैसा पंजाब पी का एग्जाम नहीं रहा बहुत चेंज आ चुका है बहुत एनालिटिकल होता जा रहा है इनफैक्ट यू के साथ थोड़ा थोड़ा अलाइन होता चला जा रहा है तो और इस बार भी जो एग्ज़ाम होगा वो उसी पैटर्न पे ही होने वाला है पहले वाले पैटर्न पे नहीं होगा ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए सो आपको प्रिपरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए चीज़ों को एनालिटिकल समझो प्राइमा फेस ही सिर्फ फैक्ट्स को नहीं रटना आपको समझ के करना है चीज़ों को तभी बात बनेगी क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आने वाले हैं रट के चले जाओगे बात नहीं बनेगी इनफैक्ट द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ऑल्सो इज थ्रू एनालिटिकल स्टडिंग ओनली कि चीजों को कॉम्प्रीहेंसिवली एनालिटिकली समझ समझ के करने के ही बेस्ट वे होता है उसमें क्या एक तो ज्यादा चीजों को रटना नहीं पड़ता क्रैम नहीं करना पड़ता तो एक दूसरा बेनिफिट सबसे बड़ा कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो उससे रिलेटेड जैसा मर्जी चाहे क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू टैकल इट राइट right? लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट के चले जाएंगे तो वो इस, उसी के टाइप का क्वेश्चन आएगा तभी कर पाएंगे उस सेम टॉपिक से भी कोई डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे ठीक है ओके 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 सॉरी थोड़ी तबीयत ऐसी है बट okay, पढ़ाई चलती रहेगी वन ऑफ द ऑफ इक्वेलिटी इन सोसाइटी इज द ऑफ राइट यहां पर क्वेश्चन इक्वालिटी के कंसेप्ट के ऊपर है कि इक्वालिटी इन सोसाइटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है किस चीज को आप इक्वालिटी बोलते हैं ऑप्शन है आपके ए प्रिवलेजेस बी रिस्ट्रेंट्स सी कॉम्पिटिशन या डी आइडियोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है इक्वालिटी इज द एबसेंस ऑफ आइदर प्रिवलेजेस और रिस्ट्रेंट्स और कॉम्पिटिशन और आइडियोलॉजी किस चीज को बोलोगे आप इक्वालिटी कि सोसाइटी में समाज के अंदर किस चीज इन चारों में से किस चीज की कमी होना लैक ऑफ ऑफ वॉट आउट ऑफ दिस फोर विल बी इक्वेटिड टू इक्वैलिटी दिस इज योर क्वेश्चन राइट सो so, क्या वो रिस्ट्रेंट होता है नो no. क्या वो कंपटीशन होता है नो no. क्या वो आइडियोलॉजी होता है नो द करेक्ट आंसर इज प्रिवेजेस राइट बिकॉज हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी राइट आर्टिकल फोर्टीन टू एटीन बट जो आर्टिकल फोर्टीन था हमारा जो फंडामेंटल राइट right था उसके अंदर हमने एक चीज देखी थी इक्वालिटी बिफोर लॉ वहां पर भी हमने देखा था इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है नो स्पेशल प्रिविलेजेस नो स्पेशल प्रिवलेजिज किसी को स्पेशल ट्रीट ना करना इसका मतलब सारों को समान एक समान ट्रीट करना है इक्वल ट्रीट करना दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस दैट प्रोवाइडिंग नो स्पेशल प्रिवेलेज टू एनी वन विल अल्टीमेटली बीट लाइक ट्रीटिंग ट्रीटिंग एवरी वन इक्वल ट्रीट एवरी वन एज इक्वल आई बात समझ में सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए दैट इज प्रिवलेजेज क्लियर राइट ओके सो इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है आई होप आपको कंसेप्ट जरूर समझ में आया होगा बाय द वे एक बुक है मैं हर बार बोलता हूं पॉलिटिकल थ्योरी एन है एनसीआर है अपनी एक पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से क्लास इलेवंथ की इसको जरूर पढ़ना है आपने ठीक है इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको जरूर मिल जाएंगे लाइक राइट्स ड्यूटीज लिबर्टी एंड ऑल इसको जरूर पढ़ना है इसमें से भी काफ़ी आपको हेल्प होने वाली है अगर आपको ये बुक नहीं पढ़नी तो वी आर देयर ओनली बट अमारी सीन सजेशन मिल भी नहीं कि इस बुक को जरूर पढ़ लीजिए पतली सी बुक है ज्यादा मोटी बुक भी नहीं है इंटरेस्टिंग है काफी पढ़ने में मजा भी आता है इसको देन सो यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू दिस बुक राइट ओके तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना जैसे इस टाइप कंसेप्चुअल वो काफ़ी हेल्प हो जाती है फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट अपॉन राइट किस चीज़ लिमिटेशन लगा रही है ये क्वेश्चन है आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी लेजिसलेटिव फंक्शन सेकेंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या डीपीएसपी लेजिस्लेटिव फंक्शन के ऊपर कोई लिमिट लगाती है क्या डीपीएसपी एग्जीक्यूटिव फंक्शन के ऊपर लिमिट लगाते हैं राइट डीपीएसपी क्या चीज है वो हमने अलग से उस पर वीडियोज़ बना रखी हैं यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दोज लेक्चर्स दैट चेक आउट डोज वीडियोज़ हमने फंडामेंटल राइट right भी डिस्कस कर रखे हैं हमने डी पी एस पे भी डिस्कस कर रखा है फंडामेंटल ड्यूटी भी डिस्कस कर रखा है प्रीएम्बल भी और नहीं अगर आपको अभी भी चाहिए तो हम उस पर सेपरेट वीडियोज़ और भी बना देंगे आप बस कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि सर वी नीड दिस लेक्चर विद इन दैट लेक्चर या उस, इस लेक्चर के अंदर भी कोई डाउट है कुछ समझ नहीं आया तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं राइट एक टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल वी वांट वॉन्टर प्रिपरेशन टू बी एज इफेक्टिव एज पॉसिबल ओके सो चलो क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि डीपीएसपी किस चीज पे लिमिट लगाता है क्या लेजिसलेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑप्शन है आपके वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू या नीदर वन नॉट टू सो क्या आंसर होगा इसका क्या डीपीएसपी किसी चीज पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है मतलब क्या लेजिस्चर के लिए क्या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भाई मैं मैंडेट है ऐसा कि उनको डी को फॉलो करना ही करना है कि उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते सो आंसर इज़ नो डेफिनेटली नहीं है ऐसा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी के ऊपर भी ऐसी कोई मैंडेट नहीं है येस फंडामेंटल राइट के लिए मैंडेट ज़रूर है उनको फॉलो करना होता है उसको वायलेट नहीं कर सकते वो राइट उसके बारे में भी हमने पढ़ चुके क्या चीज़ है क्या इंप्लीकेशन है क्या एक्सेप्शन वगैरह है बट ऑल इन ऑल फंडामेंटल राइट फॉलो करने होते हैं बट डी जैसा ऐसा कोई मैंडेट नहीं है पार्लियामेंट के लिए ना स्टेट लेजिस्लेचर के लिए

तभी तो बोला था डीपीएसपी क्या जुडिशियल रिव्यू है क्या डीपीएसपी पे ज्युडिशियल रिव्यू पॉसिबल होता है सो आंसर नो सॉरी जुडिशियल रिव्यू तो पॉसिबल है ज्युडिशियल रिव्यू पॉसिबल है राइट right? जुडिशियल रिव्यू तो पॉसिबल है जस्टिस जुडिशियल रिव्यू तो डेफिनेटली हर चीज इसमें पॉसिबल है बट इट इज नॉट जस्टिस बाय लॉ इट इज नॉट जस्टिसबल मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास आप या किसी भी कोर्ट के पास आप या जाके नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमारा जो है डीपीएस फॉलो नहीं हुआ तो उसके लिए आप हमें हमारा जज हमें इंसाफ दी जी एन ऑल राइट आई बात समझ में जस्टिस बट दीज आर नॉट जस्टिसबल बाय लो वेर एज फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट आर जस्टिसबल नो सो जस्टिसबल होना ना होना अलग बात है लेकिन मैंडेट का होना ना हो ना अलग चीज होती है तो देर इज अ डिफरेंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा वट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड राइट सो दिस इज़ फॉर इट नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू राइट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे कंट्रोल करके रखता है मतलब जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को कैसे कंट्रोल करके रखता है बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है अपना एग्जीक्यूटिव का पार्ट है पार्लियामेंट क्या है लेजिसलेटर का लेजिस्लेचर का पार्ट है राइट right? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करके रखता है ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट क्या एडजनमेंट मोशन के थ्रू क्वेश्चन आवर के थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू राइट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वन ओनली टू एंड थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली या वन टू एंड थ्री सो द करेक्ट आंसर विल बी मोशन है ये क्वेश्चन के अंदर क्या फॉलो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम राइट पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है दैट द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा या फिर आप कह सकते हैं कि टूवर्ड्स द पीपल या फिर लेजिस्लेचर भी समझ सकते हैं अभी के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्चुअली मीनिंग क्या है कि इनको अकाउंटेबल भी है जवाब भी देना पड़ता है हर चीज का तभी तो बात बनेगी तो, तो पता लगेगा कि भाई जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है एग्जीक्यूटिव से पूछते रहना कि भाई आप ये वाले एक्शन ले रहे हो क्यों ले रहे हो क्या ये एक्शन सही था नहीं था अगर गलत किया तो भी बताना कि भाई आपने एक्शन सही ही लिया आपने ये पैसे सही नहीं जगह पर लगाए तो राइट और वो सब चीजें कैसे होती हैं इन्हीं टूल्स के थ्रू एडजमेंट मोशन के थ्रू क्वेश्चन आवर के थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू राइट आई होप ये समझ में आया होगा और ये सारी चीजें जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हैं एडजमेंट मोशन क्वेश्चन आवर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये सब कुछ कवर करते जाएंगे बट अभी के लिए सिर्फ जिस आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ना है मतलब ये सब कुछ कवर हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट कि सर ये सब कुछ भी अलग से कवर करना है बस कीप फॉलोइंग अभिमन्यु आई एस ऑल दिस थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ एज वेल राइट सो द एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न द करेंट आंसर विल बी डी ऑल ऑफ द अबव वन टू एंड थ्री एट मोशन क्वेश्चन आवर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन राइट ओके नेक्स्ट उंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग राइट द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब जो आइडियलॉजी थी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो किस चीज में सबसे ज्यादा झलकती है इनमें से किस चीज में पोर्ट्रे होती है आपको दिखेगी कि आइडियोलॉजी बिहाइंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम किया गया है क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थी किस क्या क्या हम एक्जेक्टली exactly कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव क्या करना चाहते हैं राइट ऑल दो ये इनमें से किस चीज के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं आइदर इट इज द प्रीएम्बल क्या ये फंडामेंटल राइट थे क्या डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसीज थे या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज थे राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द राइट प्रियम्बल के अंदर साफ साफ, साफ सब कुछ झलकता है वो आपकी एक तरीके से आई डी कार्ड की तरह है जिसके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा आपको नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन Right? Adoption, right? ये चार दिखती हैं उसके और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे ये चीजें पूछ रहा है कि नेचर और उब, सोर्स और ऑब्जेक्टिव ये चीजें कहा किसके अंदर डिफाइंड है ये प्रियम्बल के अंदर साफ साफ दिखती हैं आपको फंडामेंटल के फंडामेंटल राइट्स इज द फीचर बेसिकली हमारे फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेम एज डी पी एस पी डी पी एस पी भी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट right? सो so, इसको प्रीएम्बल से कंफ्यूज ना करें इनका अपना एक पर्पज है अपना एक काम है ठीक है और वो सब हम उसके लिए सेपरेट वीडियोज बना चुके हैं आई एम अगेन रिपीटिंग यू कैन डेफिनेटली वॉच ऑन टू दोज वीडियोज ऑल राइट सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन ए द

यूपीएससी का क्वेश्चन ही उठा के दे दिया था यूं का यूँ प्रलिम्स का सो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है आपको यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है स्पेशली वो जो आपके स्टैटिक पार्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है तो उनको तो मिस आउट बिल्कुल करना ही नहीं है सब कुछ कवर करके जाना है और यही आपकी स्ट्रेटेजियम होनी चाहिए कि मिस आउट कुछ नहीं करना सिलेबस पूरा कवर करके जाना है आगे देखेंगे ठीक है ओके सो द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर क्या होता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बाई द वे ठीक है बट उससे पहले अगर ऑप्शन जरूर देख लेते हैं ऑल राइट द फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली ओके इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशियंट ओके द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर ओके द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन ओके सो so, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बार दो चीजें फटाफट देख लेते हैं इज़ इज़ वन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अदर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो लाइक यूएसए के अंदर फॉलो होता है इंडिया के अंदर नहीं होता है सच तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कि ऑल द थ्री ऑर्गन्स लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दे वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर वहां पे जरूरी नहीं है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पहले लेजिस्लेचर का पार्ट बने और फ्री काम करे प्रेसिडेंट जो है मेन हेड क्या है प्रेसिडेंट है उनका अलग से इलेक्शन होता है और जो प्रेसिडेंट है कोई ज़रूरी नहीं कि वो उनके कांग्रेस वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं वहाँ पे लेजिस्लेचर बोलते वो सॉरी कांग्रेस बोला जाता है तो कोई जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट को पहले जो है अपनी कांग्रेस का पार्ट बनना बहुत ज़रूरी है नो नो नथ लाइक दैट वो अलग से भी काम कर सकते हैं इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो लाइक लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है हमारे जो मोदी साहब है एक्चुअली हेड तो वही है उनको पहले पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके बाद जाके वो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया उनको आई बात समझ में

तो तो ये तो है मेरिट्स एक तरीके से आप जो समझ सकते हैं बट डीमेरिट्स क्या होंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म की नहीं तो हम यही ना अडॉप्ट कर लेते ये हैं कि वन मैन रूल वन मैन रूल एक ही वन मैन पावरफुल भी समझ सकते हैं आपकी एक ही बंदे के हाथ में ज्यादा पावर दे रहे हो आप तो वो जैसे तैसे उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं राइट ऑथोरिटेरियन रिजीम बन सकता है और इस चीज से हम फसल डरते थे क्योंकि ऑलरेडी हम जब ब्रिटिश से जब इंडिपेंडेंट होकर आए थे तो हम ऑलरेडी 200 साल से उस चीज को झेल रहे थे सो दैट इज द रीजन वी अडोप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल मतलब द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर या फिर लोकसभा या फिर पीपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो ठीक है इंडिपेंडेंट नहीं होते इंटरफेरेंस चलती है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की आपस आप में इंटरफेरेंस चलती रहती है एंड अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया ही था मोदी साहब का उससे आपको समझ में आएगा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं होती इंटरफेरेंस होती है इसके अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ऑल राइट ओके नेक्स्ट थिंग बाकी जो उसकी अब इसके एग्जैक्टली अपोजिट चलता है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इतनी स्टेबिलिटी नहीं रहती राइट right? स्टेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि मान लो अभी तो फुल मेजोरिटी है गवर्नमेंट पे लेकिन अगर कोइलेशन गवर्नमेंट बनेगी साझेदारी वाली सरकार बनती है तो उसमें किसी भी टाइम अगर किसी एक पन, पार्टी ने सपोर्ट छोड़ दिया तो उसी टाइम गवर्नमेंट गिर जाती है तो उस वजह से क्या होता है जो डिसीजन लेने वाली चीज़ है ना वो डिसीज़न उतने फास्ट नहीं हो पाते सबको साथ लेके चलना पड़ता है तो डिसीजन आर नॉट दैट फास्ट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइट सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स एंड डिफरेंसिस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ दीज टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल सो लेट सी नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिलेचर वर्क इंडिपेंडेंटली नो ये किसका फीचर है बाय द वे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेक्स्ट इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इज मोर एफिशिएंट नो दिस इज अगेन व्हाट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन द एग्जीक्यूटिव रिमेंस रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर येस दिस इज करेक्ट लास्ट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन दिस इज रॉन्ग बेसिकली ये रिपब्लिक बता रहा है रिपब्लिक होना बता रहा है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन सी इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन ठीक है एंड आई होप आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन के थ्रू ऑल राइट सीधा आंसर इज सी नेक्स्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज अब राइट्स और ड्यूटीज में रिलेशन पूछा हुआ है आपसे ओके ऑप्शन पे जाने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं राइट्स और ड्यूटीज के बारे में राइट्स एंड ड्यूटीज ओके अगर हम बात करें राइट्स की इन जनरल तो राइट्स किसको मिल रहे हैं सिटीजन्स को मिलते हैं अगेंस्ट संबंध अगेंस्ट से स्टेट अगेंस्ट स्टेट राइट हमें अधिकार मिले हैं वो स्टेट के अगेंस्ट मिले कि जो सरकार है हमारे अगेंस्ट ये काम ना कर सके ये हमारा अधिकार है क्लियर है देन कम्स ड्यूटीज ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स और ये अगेंस्ट स्टेट नहीं है किसी भी सिटीजन को ड्यूटी मिली है तो अगेंस्ट स्टेट नहीं है राइट right? इनफैक्ट ये स्टेट के फेवर में है कि भाई सामने वाले बंदों की भी ड्यूटी बनती है और ये जो होती है बेसिकली आपको कोई ड्यूटी मिली तो वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं रहेगी मतलब स्टेट के फेवर में नहीं है आपको फेलो सिटीजन्स भी जो हैं उनके उनकी भी आपकी आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको भी रिस्पेक्ट दें एंड ऑल राइट तो डेफिनेटली ये अगेंस्ट स्टेट तो नहीं है ऑल राइट पहली चीज़ तो ये इट फेवर्स द स्टेट बाय द वे इट फेवर्स द स्टेट एक सिंपल सी चीज़ तो ये है बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर राइट्स अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को एंजॉय कर पाएं राइट्स को एंजॉय कर पाए तो क्या सिर्फ आपको प्रोवाइड कर देने से राइट आप राइट एंजॉय कर पाएंगे तो माई आंसर इज़ नो आप तब अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे जब सामने वाले बंदा और आप खुद भी अपनी एक ड्यूटी समझें कि मेरे को सामने वाले बंदे की राइट को भी रिस्पेक्ट देनी है मुझे समझना है कि उसको भी राइट मिले हैं मुझे उसको रिस्पेक्ट देनी है राइट right? कि मैं समझूं कि सामने वाले बंदे का भी राइट right है उसको भी अपनी right राइट को एंजॉय करने तरीके से आई नॉट इन्फ्रिंज हिज राइट्स मैं उसका राइट right वायलेट ना करूं तभी आप अपना राइट right अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे तो ये अगर मेरा पॉइंट है कि राइट और ड्यूटी दे आर एक्चुअली रिलेटेड एक्चुअली रिलेटेड विद ईच अदर राइट्स आप तभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जब अपनी ड्यूटी को फॉलो करेंगे ठीक है और ड्यूटी को भी तब आप अपना समझेंगे जब राइट right, आपके सामने वाला बंदा फॉलो कर रहा होगा तरीके से राइट सो दीज टू थिंग्स आर नथिंग बट को रिलेटिव विथ ईच अदर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज राइट और इस टाइप की चीजें ही आपको जो मैं बुक बता रहा था ना पॉलिटिकल थ्योरी उसके अंदर दी हुई है दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू गो रीड दैट बुक इट इज़ अ वेरी गुड बुक वेरी गुड एनसीईआरटी सी आर टी कुछ ही एन कुछ एन तो बहुत मस्ट रीड होती है एंड इट इज़ वन ऑफ दोज राइट पॉलिटिकली वैसे भी कोई ज़्यादा खास बुक्स पढ़नी नहीं पड़ती तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट राइट ओके सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज यस राइट्स आर पर्सनल एंड हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज नो नथिंग लाइक दैट अभी मैंने बताया आपको पर्सनल नहीं होते राइट्स इंडिपेंडेंट नहीं है पर्सनल है ठीक है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है वो उनके साथ रिलेटेड है तो आप राइट सभी एंजॉय कर पाओगे सिर्फ बोल देना से कि आपको राइट मिला हुआ है आप राइट अपना एंजॉय नहीं कर पाओगे वो डिपेंडेंट है सामने वाली ड्यूटी और उसके ऊपर हर चीजों के ऊपर सोसाइटी के ऊपर भी देन राइट्स एंड नॉट ड्यूटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन भैया ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ राइट्स नहीं ड्यूटीज भी इम्पॉर्टेंट है पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन को डेवलप करने के लिए राइट इन दैट सेंट इट इज़ इन करेक्ट ड्यूटीज एंड नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट नो बोथ आर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एज वेल एज राइट्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट सो द करेक्ट आंसर विल भी डेफिनेटली ऑप्शन ए राइटर राइट सो आई होप यू ऑल ऑल गेट गोट द रॉ राइट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एज वेल एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट इंपॉर्टेड सी यहां पर आपको सबसे पहले फोकस करना है क्वेश्चन में जब भी नॉट या इनकरेक्ट चीजें पूछी उस पर जरूर फोकस करना है तभी हमेशा बोलते हैं क्वेश्चन को दो बार जरूर पढ़ा करो क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आता हुआ भी इनकरेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज की क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा था पूछा नहीं था एग्जेक्टली exactly, ध्यान नहीं दिया कि पूछा क्या था तो यहां पर पूछा फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडिड इन द प्रियमल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी चीज प्रियम्बल के अंदर नहीं दी हुई ऑप्शन है आपके लिबर्टी ऑफ थॉट इकोनॉमिक लिबर्टी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ बिलीफ ऑल राइट आई होप आपने ऑलरेडी इसका करेक्ट आंसर गेस कर लिया होगा बट लेट सी प्रियम्बल देख ही लेते हैं एक बार आंसर ही दिख गया वाई दबे ओके कोई नहीं जस्ट सी दिस इज द प्रियम्बल

रियम्बल वाई देरी इंपॉर्टेंट राइट अपने एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक आधा क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिल जाता है इसमें से तो इफ यू कैन रिमेंबर दिस इट इज वेरी गुड दो चार बार पढ़ोगे डेफिनेटली रिमेंबर हो ही जाएगा लॉजिक से अगर पढ़ोगे तो राइट right? नहीं तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इफ यू वॉन्ट ओके सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपको दिखा लिबर्टी ऑफ थॉट है येस yes, एक्सप्रेशन है बिलीफ है बट इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सो विद दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो बट जस्ट बिफोर एंडिंग आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद यू टू शेयर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टिड अ फुल लेंथ कोर्स राइट एक पूरा कोर्स हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपने पंजाब पी सी एस के लिए जहाँ पर हम प्रिल्स कम मेन्स राइट सब कुछ डिस्कस किया जाता है सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं आपके सी सेट इंक्लूडिंग एच एंड एवरी थिंग इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन ऑलरेडी आई वॉट ऑफ़ स्टूडेंट्स हैलरेडी एनरोल्ड इन इट राइट एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू एनरोल इन इट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट उसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है अगर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं भी मिलता तो आप सपोर्ट नंबर पर डेफिनेटली कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी एग्जाम रिलेटेड आप सब कुछ खुल के पूछ सकते हैं और ये जो फ्री इनिशिएटिव है ये तो आपके लिए हम चला ही रहे हैं बट इफ़ यू स्टिल वॉन्ट की एक प्रॉपर एक फुल लेंथ कोर्स मुझे मिले कॉम्प्रीहेंसिव वे में अच्छे से एक ही जगह पर सारा कुछ तैयारी मिल जाए सामने टीचर्स हो मेंटरशिप हो ईच एंड एवरी थिंग इंक्लूड इज इंक्लूडेड इन दिस इवन टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस राइट सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इज अस्ट रिकमेंडेड कोर्स बिकॉज एग्जाम डेफिनेटली बहुत नियर होने वाला है नोटिफिकेश Notific... अब आपके एग्जाम दूसरे आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो पंजाब पीसीस का एग्जाम भी ज्यादा दूर नहीं है यू शूड नॉट वेट फॉर इट इफ यू वॉन्ट टू गिव दिस एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस कोर्स राइट सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर य्यूचर एंड डेवर्स एंड अनटिल आवर नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय थैंक यू